तो दोस्तों, अगर आप भी अपने खुद की वीडियोस को खुद के फ़ोन से यहाँ पर बार बार प्ले करके देखते हो, आपने अपने जिस फ़ोन से यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से आपने जो है अपना चैनल बनाया है, जिस चैनल पर आपने अपनी वीडियोस को अपलोड किया है, जिस फ़ोन में आपका यहाँ पर चैनल है, उसी चैनल से आप जो है उसी ईमेल आईडी से अपने अगर उस वीडियो को बार बार देखते हो, तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर देखनी पड़ सकती है? क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपके चैनल पर आ सकती है? क्या उस वीडियो पर जो है व्यूज़ बार बार देखने से बढ़ते हैं? क्या आपके चैनल को यहाँ पर मोनेटाइजेशन के वक्त कोई दिक्कत हो सकती है? अगर आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज है, तो क्या आपका चैनल पे कोई यहाँ पर परेशानी आगे जाके आ सकती है? सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अगर आप अपनी वीडियोस को, जो वीडियो आपने अपलोड की है, उसे उसी फ़ोन से बार बार देखते हो, तो क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है? तो चलो इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपने जो है उसी वीडियो को एक ही फ़ोन से, जिस फ़ोन पे आपका जीमेल है और उसी फ़ोन से आपने चैनल बनाया हो, यहाँ पर जब अपनी वीडियो को बार बार देखते हो, तो क्या उस पर व्यूज़ बढ़ते हैं? तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, उस पर व्यूज़ बढ़ते हैं। अगर आप उसी फ़ोन से व्यूज़ अगर अपने उसी फ़ोन से जो है वीडियो को देख रहे हो, तो उस पर व्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ते हैं। बट आपने जितनी बार देखा है, उतनी बार व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि आपने अगर अपनी वीडियो को 100 बार देखा है, तो एक बहुत ही कम अमाउंट में जो है व्यूज़ बढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि एक ही डिवाइस से बार बार उसी वीडियो को देखा जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है एक सर्टन अमाउंट जो व्यूज़ रहते हैं, वही यहाँ पर ये बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कोई दिक्कत यहाँ पे हमारे चैनल पर आ सकती है, तो ऐसी तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपके चैनल पर आएगी नहीं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी वीडियो पे जो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तो आपकी वीडियो पे जो ऐड चलती है ना, वो ऐड का पैसा जो है वो यूट्यूब रखता है। तो ऐसे में आपके जो है चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप जो है अपनी लॉन्ग वीडियोस को देख रहे हो और आपने देखा कि आपका वॉच टाइम भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर आप ये जो है अपने चैनल पर करते हो, अगर बार बार करके अपने चैनल पर जो है वॉच टाइम को बढ़ाते हो, तो आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तब आपको यहाँ पर अगर आप पकड़ेंगे, तो आपका मोनेटाइजेशन यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि आपने जो है एक ही डिवाइस से बार बार उसी वीडियो को देखकर अपने वॉच टाइम को यहाँ पर बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, तो क्या आप अपनी वीडियोस को खुद के फ़ोन से उसी फ़ोन से जो है देख सकते हो? तो यहाँ पर आंसर है नो। अब क्यों नहीं देख सकते, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तो जो आपको यहाँ पर अर्निंग होती है आपके चैनल पर ऐड चलकर, वो यहाँ पर सारी यूट्यूब रख लेता है। बट आपका चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाता है, तो ऐड का जो पैसा रहता है, वो 55% जो है आपको देता है और 45% जो है यूट्यूब रखता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी लॉन्ग वीडियोज़ पर जो है बार बार क्लिक करते हो, तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी यहां पर कर रहे हो अपने चैनल पर, जो कि आप एड्स को बार बार प्ले करके जो है अपनी अर्निंग यहां पर बढ़ा रहे हो। तो ऐसे में आपके चैनल पर यहां पर परेशानी आ सकती है, आपका यहां पर मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, या तो एडसेंस आपका यहां पर डिसेबल हो सकता है। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, तो कभी भी आपको अपने उसी फ़ोन से अपनी वीडियो को नहीं देखना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमें अपनी वीडियोस को खुद से देखना है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, जिसका यूज़ कर आप जो है अपनी खुद की वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला तरीका कि आप अपने YouTube की गैलरी में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो है अपनी वो वीडियो मिल जाएगी, आपने एक्सपोर्ट किया रहेगा, तो वहाँ से अपनी अपनी वीडियो को जो है चेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है, हम अपनी वीडियो को डिलीट कर देते हैं, तो हम देखें कैसे? तो इसके लिए दूसरा तरीका है, आप क्या करो कि आपके जो है दोस्त का या किसी दूसरे का फ़ोन होगा, तो आप उसके फ़ोन से अपनी उस वाली वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो प्ले करके, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर परेशानी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारा कुछ मिलाकर आपको अपनी वीडियो को जो है अपने उसी फ़ोन से, उसी जीमेल आईडी से कभी भी बार बार नहीं देखना है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, यहाँ पर आपको उस वीडियो को बार बार यहाँ पर नहीं देखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।